लक्सर पुलिस ने एक बार फिर से कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाकर दो लोगों को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 30 लीटर कच्ची शराब बरामद की और साथ ही इन दोनों आरोपियों के खिलाफ शराब अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ समय पहले की बात है, पुलिस ने 4 अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया था। ये भी आपको जानकारी दे दें कि 2 महीने पहले की ही बात है, रुड़की क्षेत्र के कई गाँव में जहरीली कच्ची शराब पीने से बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौत हो गई थी। इसी दौरान सीओ सर का यह कहना था कि कोतवाली इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर कच्ची शराब के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है। 2 आरोपियों सहित कच्ची शराब बरामद की गई है और साथ ही एक मोटरसाइकिल भी सीज कर दी गई। कच्ची शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा, यह भी जानकारी दी गई और साथ ही कच्ची शराब निकालने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही गई। शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, इसी के क्रम में इंस्पेक्टर लक्सर के नेतृत्व में एक टीम ने छापा मारा था। इसमें 30 लीटर शराब बरामद की गई है, अवैध शराब है, और उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और एक मोटरसाइकिल को भी सीज किया गया है।